नमस्कार, आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी बच्चे हैं उनका ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे करना है, कि जो बच्चे हैं 0 से लेकर 5 साल तक उनके उम्र के हिसाब से उनका वज़न कितना होना चाहिए और उनके लंबाई के अनुसार उनका वज़न कितना होना चाहिए, जिससे कि हम पोषण ट्रैकर ऐप में उनका जब ग्रोथ मॉनिटरिंग करें तो कैसे करें, तो सारी चीज़ों की जानकारी आपको एक तालिका के माध्यम से दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको उम्र के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से आप वज़न चेक कर सकते हैं कि हमने इस बच्चे का वज़न कितना डालना है, जिससे कि आपको पोषण ट्रैकर ऐप में ग्रोथ मॉनिटरिंग करते समय आपको परेशानी ना हो। और आप जो देखते होंगे पोषण ट्रैकर ऐप में कि बच्चों का जो कलर दिखाई देता है, ग्रीन कलर, येलो कलर और रेड कलर, तो हम लोग सैम और मैम की पहचान भी करेंगे उनके लंबाई के अनुसार और उम्र के हिसाब से चेक करेंगे कि उनका वज़न सामान्य की कैटेगरी में है या फिर मध्यम अल्प वज़न है या फिर गंभीर अल्प वज़न है। तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए और आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने बच्चों का जो वज़न तालिका है, उम्र के सापेक्ष बच्चों का वज़न 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अल्प वज़न की पहचान के लिए दिए गए तालिका, यानी कि ये जो तालिका है आप देख पा रहे होंगे कि 0 से लेकर 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनका वज़न कितना होना चाहिए, आपको इसमें क्लियर जानकारी मिलने वाली है। और देखिए नीचे वाले जो तालिका आपको दिखा रहा हूँ इसमें जो है वो सैम मैम बच्चों की पहचान करने के लिए तालिका है, जो कि हम लंबाई के अनुसार बच्चों का सैम मैम की पहचान करेंगे। देखिए 2 वर्ष से कम आयु के लिए ये वज़न तालिका है। और आपको नीचे दिखा दूं कि जो तालिका मैं आपको दिखाऊंगा वो है 2 वर्ष से अधिक आयु के लिए, यानी कि 0 से लेकर 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनका ऊंचाई के अनुसार वज़न तालिका में देखेंगे कि वो बच्चा सैम की कैटेगरी में आ रहा है कि मैम की कैटेगरी में आ रहा है, कि वो उस बच्चा सामान्य है। तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पे उम्र के हिसाब से दिखा दूँ कि जो बच्चे का उम्र होता है वो उम्र के हिसाब से उनका वज़न कितना होना चाहिए। तो अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो तालिका है, इधर आप देख रहे होंगे ये तालिका लड़कियों के लिए है और ये तालिका लड़कों के लिए है, यानी कि अलग अलग वज़न दिया गया है जिससे कि हम बच्चों की पहचान करेंगे। लड़कों के लिए अलग वज़न है, लड़कियों के लिए अलग वज़न है। यहाँ पे देख पाएंगे जो वाइट कलर में दिया गया है वो बच्चे का उम्र है, यानी कि साल एवं महीना दिया गया है। यहाँ पर जो ग्रीन कलर आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों का जो वज़न है वो सामान्य है। जो येलो कलर देख रहे हैं मध्यम अल्प वज़न और जो रेड कलर देख रहे हैं यानी कि गंभीर अल्प वज़न, वही इधर भी दिया गया है लड़कियों के लिए। तो चलिए अब हम समझते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे का जन्म अभी अभी हुआ है तो उस बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए, जैसे कि 3.3 और 2.5 यानी 2 किलो 500 ग्राम के बीच में अगर उस बच्चे का वज़न हो रहता है तो उस बच्चे का जो श्रेणी है वो सामान्य श्रेणी में देखा जाएगा। जैसे कि ये मैं आपको लड़कों के लिए बता रहा हूँ। और जो मध्यम अल्प वज़न है उस वज़न के लिए आप इधर से देखिएगा कि 2.1 से लेके 2.5 यानी कि 2 किलो 100 ग्राम से लेके 2 किलो 500 ग्राम तक उस बच्चे का वज़न रहता है तो उस बच्चे का वज़न मध्यम अल्प वज़न की श्रेणी में आएगा। और देखिए अगर 2.1 यानी कि 2 किलो 100 ग्राम से भी बच्चे का वज़न कम होता है तो उस बच्चे का जो श्रेणी है वो गंभीर अल्प वज़न की श्रेणी में चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे
कि जो लड़कियां हैं यानी लड़कियों के लिए कैटेगरी दिया गया है, जैसे कि अगर बच्चे का जन्म हुआ है, जन्म के समय 2 किलो 400 से 3 किलो 200 ग्राम अगर बच्चे का लड़की का वज़न रहता है तो उस लड़की का जो श्रेणी है वो सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा और 2 किलो से लेकर 2 किलो 400 ग्राम तक उस बच्ची का वज़न होता है तो उस बच्ची का जो वज़न है मध्यम अल्प वज़न की श्रेणी में रखा जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 किलो से भी उस बच्ची का वज़न कम हो जाता है तो उस बच्ची का जो वज़न है वो गंभीर अल्प वज़न में देखा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 5 वर्ष तक के बच्चों का उम्र के हिसाब से वज़न कितना होना चाहिए उसका यहाँ पे दिया गया है चार्ट, वो आप लोग देख सकते हैं। मैं इस चार्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इस चार्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे कि आपको समझने में और भी आसानी हो। और आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में देखते होंगे कि ग्रीन कलर का ऑप्शन देखते होंगे, फिर येलो कलर का ऑप्शन देखते होंगे और फिर रेड कलर का ऑप्शन देखते होंगे कि बच्चों का वज़न डालने के बाद उसका जो कलर दिखाता होगा यानी कि हेल्थ स्टेटस शो करता होगा कि ये बच्चा सामान्य है, मैम है, मैम की श्रेणी में है या फिर सैम की श्रेणी में है। तो यहीं से हम लोग आसानी से पहचान कर सकेंगे, जैसे हम लोग सेंटीमीटर में लंबाई डालेंगे और लंबाई के अनुसार हमको वज़न डालना है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर किसी बच्चे का वज़न 45 सेंटीमीटर है तो उस बच्चे का वज़न कितना होगा, जैसे कि मैं इधर दिखा दूँ, देखिए 2.0 से लेकर 3.0 के बीच में उनका वज़न आता है, उनका जो श्रेणी है वो सामान्य श्रेणी में दिखाएगा और 1.9 से लेकर 2.0 के बीच में उस बच्चे का वज़न आता है तो उस बच्चे का वज़न यहाँ पे दिखाएगा मैम यानी कि मध्यम तीव्र कुपोषण, और उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा 1.9 से भी उस बच्चे का वज़न कम होगा तो उस बच्चे का वज़न यहाँ पे दिखाएगा सैम यानी कि तीव्र अति गंभीर कुपोषण वाले बच्चे को इसमें शामिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे लड़कियों की श्रेणी में देखेंगे कि जो लड़कियों का श्रेणी है वो कितना वज़न होना चाहिए, जैसे कि 2.1 kg से लेकर 3.0 kg तक उस बच्चे का वज़न आता है तो वो बच्ची सामान्य की श्रेणी में आएगी। उसके बाद यहाँ पे 1.9 से लेकर 2.1 के बीच में उस बच्ची का वज़न आता है तो वो बच्ची मैम की कैटेगरी में आएगी, और इसी प्रकार से 1.9 से भी उस बच्ची का वज़न कम रहता है तो वो बच्ची सैम की कैटेगरी में आएगी। तो इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो बच्चों का वज़न है 2 वर्ष से कम बच्चों की आयु के लिए है। तो यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं कि पूरा चार्ट दिया गया है जिससे कि हम बच्चों का श्रेणी पता कर सकें कि वो बच्चा किस श्रेणी में आएगा। और देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 2 वर्ष से अधिक आयु के लिए उनका वज़न कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे टोटल 120 सेंटीमीटर तक वज़न दिया गया है जिससे आप पहचान करेंगे कि उनका वज़न किस श्रेणी में आएगा। यहाँ से आप सभी डिटेल्स देख सकते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।